सो हेलो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल तो कैसे आप सब होप करता हो आप सब ठीक होंगे बहुत अच्छे होंगे तो गाइज़ पिछले साल मैं गया था मतलब परेड देखने 26 जनवरी को जो कि मैं हर साल जाता हूं तो मुझे एक भाई ने कमेंट करा उन भाई ने मुझे कमेंट करा कि भाई आप ना वीडियो बनाओ कि टिकट कैसे मिलेंगी हमें ठीक है तो भाई मतलब भाई को टिकट नहीं मिल रही थी तो भाई ने मुझे बोला वीडियो बनाओ तो मैंने सोचा क्यों ना यार एक वीडियो बनाया जाए क्योंकि छब्बीस जनवरी पास ही आ रहा है तो गाइज़ ऐसे आपने ये वीडियो फुल एंड तक देख ली बिना स्किप करे तो हंड्रेड मैं ये कह सकता हूँ कि आपको हंड्रेड टिकट मिल जाएगी तो चलो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करो स्टार्ट करते हैं तो आपको टिकट कैसे मिलेगी इस बार गवर्नमेंट ने क्या करा है इस बार गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है जो कि यहाँ कहीं शो हो रही होगी आपको यहाँ पे मैं शो कर दूंगा तो गाइज इस वेबसाइट पे आपको टिकट मिल जाएगी तो इस बार क्या करा है गवर्नमेंट ने इस बार गवर्नमेंट ने दो साइड से टिकट बनाना स्टार्ट करा है एक तो आपको ऑफलाइन मिलेगी और एक ऑनलाइन मिलेगी तो ऑनलाइन और ऑफलाइन की क्या टाइमिंग है कब काउंटर खोलेंगे क्या टाइमिंग रहेगी स्टाफ कब बैठेगा मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो चलो अब बात करते हैं ऑनलाइन की तो ऑनलाइन में आपको तीन तीन टिकट प्राइस मिलते हैं एक होता है फाइव हंड्रेड वाला एक होता है हंड्रेड वाला और एक है ट्वेंटी वाला तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है तो गई जो फाइव हंड्रेड वाला टिकट है उसमें आपको इंडिया गेट के काफ़ी नियर बिठाया जाएगा ठीक है इससे नियर बिठाने से क्या आपका फ़ायदा होगा आप आराम से परेड दे सकते हो और आपको आराम से सारी चीज़ समझ में आएगी ठीक है अब अब बात आती है हंड्रेड वाले में हंड्रेड में क्या होगा आपको इंडिया गेट से काफ़ी दूर बिठाया जाएगा ठीक है इंडिया गेट से काफ़ी दूर बिठाया जाएगा तो आप वहाँ से आराम से मतलब उतना उतना मज़ा नहीं आएगा आपको है ना उसके बाद एक होती है ट्वेंटी वाली तो ट्वेंटी वाले में क्या होगा उस समय तो काफ़ी दूर बैठा जाएगा ठीक है काफ़ी दूर का मतलब आप समझ रहे होंगे कितना दूर ठीक है तो ये तीन टिकट है तो आप जो अफोर्ड करना चाहो आप कर सकते हो ठीक है अब बात आती है कि एक बंदा फैमिली का एक मेंबर एक बार में कितने टिकट खरीद सकता है तो वो एक बार में चार टिकट खरीद सकता है ठीक है एक बार में सिर्फ वो चार टिकट खरीद सकता है इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता वो और उसको क्या क्या प्रूफ चाहिए होंगे तो यार आप सामने देख सकते हो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखा है एक आप आधार कार्ड लेके जाना मतलब आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके जाना और वहाँ पे क्योंकि एक फोटोकॉपी आप ज, वो लोग जमा कर लेंगे आपके ठीक है एक पैन कार्ड लेके जाना एक वोटर आई कार्ड एक ड्राइविंग लाइसेंस एक पासपोर्ट तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे लेके जाना क्योंकि इन सब सबकी फ़ोटोकॉपी क्योंकि क्या होता है कैसे कभी भी कुछ भी वो मांग लेते हैं और वहाँ पर आस कोई शॉप नहीं है ठीक है जिससे क्या होगा ऐसे आप आपको किसी शॉप पे जाना होगा फोटो कापी करवाना तो आपको ऑटो करना पड़ेगा वो भी ऑटो मतलब ढाई तीन सौ रुपये ले लेगा क्योंकि आसपास कोई शॉप नहीं है क्योंकि गाइज़ वो जो एरिया है वो मतलब एन डी एम सी एरिया है काफ़ी मतलब वी आई पी एरिया है ठीक है तो आप यहाँ से घर पर फ़ोटो कापी करा के जाना घर से ही और गई एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म मिलेगा तो वो फॉर्म आप अटैच कर लेना आ, अपनी फोटो कॉपी के साथ क्योंकि गाइज़ क्या होते हैं कभी कभार वो ओरिजिनल भी मांग लेते हैं ना तो आप अपना यहाँ से ओरिजिनल आधार कार्ड भी लेके जाना और फोटोकॉपी तो लेके जाना और जो मैं फॉर्म दूंगा डिस्क्रिप्शन में उस पर अटैच करके फिर उनको देना ठीक है गाइज तो लोकेशन में आपको बता देता हूं सेना भवन शास्त्री भवन गेट नंबर थ्री और जंतर मंतर नियर मेन गेट प्रगति मैदान गेट नंबर वन प्रगति हाउस रिसेप्शन ऑफिस स्पेशल काउंटर और विल री ओपन अठारह तारीख से ये हमारा जो प्रगति मैदान वाला पार्लियामेंट हाउस वाला ये हमारा अठारह तारीख से खुलेगा ठीक है बाकी गाइज़ ये पांचों जो काउंटर्स हैं तो मतलब जितने ये सारे काउंटर्स हैं तो ये आपके 9 जनवरी से 18 जनवरी तक खुले रहेंगे ऐसे आप अभी भी टिकट लेने में लेट हो गए हो तो जो सेना भवन वाला काउंटर है ये हमारा 23 और 24 जनवरी को खुलेगा तो आप जब भी टिकट ले सकते हो ठीक है गईज़ मैं तो कहता हूँ गाइज़ आप अभी ले लो क्या पता ये टिकट बाद में महंगी कर दो गवर्नमेंट कोई पता नहीं है ठीक है तो आप अभी बुक कर सकते हो ये टिकट्स बाकी आपको सारे खुले हुए मिलेंगे आप वहाँ पर जाके काउंटर पर टिकट ले सकते हो ये लोकेशन है अब बताती है कि हमारे जो काउंटर है वो कब खुलेंगे क्या टाइमिंग रहेगी उनकी तो ये हमारे मॉर्निंग में काउंटर खुलेंगे दस से साढ़े बारह और इवनिंग में खुलेंगे दो से साढ़े चार ठीक है तो ये हमारी वो थी इन्फॉर्मेशन तो ऑनलाइन क्या हो रहा है ऑनलाइन अभी निकल नहीं रही है तो आप मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप ऑफलाइन टिकट जाके ले लें और आराम से छब्बीस जनवरी के इंजॉय करें तो गाइज़ ऐसे अभी भी आपने टिकट नहीं लिए तो आप जल्दी जाके वहाँ पर टिकट ले लें ऐसे आपकी ऑनलाइन निकल रही तो ऑनलाइन ले लें वरना आप ऑफलाइन जाके ले लें मैंने आपको बता दिए लोकेशन क्या है काउंट कहाँ कौन से काउंटर है सारे मैंने काउंटर बता दिए आपको कब कब ओपन होंगे भी बता दिए तो आप जाके आराम से अपनी टिकट ले सकते हैं और अपनी छब्बीस जनवरी परेड देख सकते हैं क्योंकि गाइज़ बहुतों को इंटरेस्ट होता है जैसे कि मुझे भी इंटरेस्ट है तो मैंने भी टिकट नहीं निकलवाई है मैं अभी अभी जाकर निकलवाऊंगा तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मैंने इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो आई होप आपको टिकट मिल जाएगी और अब भी आपको कोई डाउट रह रहा हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो मैं वहाँ पर रिप्लाई जरूर करूँगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार जल्दी से मेरे थ्री का करवा दो यार मतलब थ्री कर जल्दी करवा दो यार और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर देना तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट डायर तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय